दोस्तों एक बार फिर से आपका मिस नाइनिंग क्लासेज में स्वागत है मैं अमल सैनी स्वागत करता हूं आपका मिस नाई नर्सिंग क्लासेज के ओपीसी यूट्यूब चैनल पर और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो रेगुलर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो कि कुछ वे कोई वैकेंसीज आए और आज आपके सामने यू पी में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जी हाँ यू पी में टोटल 1800 पोस्ट पर यह वैकेंसी होने वाली है और आपको पता है सी एक इंडिया में एक ऐसी संजीवनी आई है सभी बेरोजगार नर्सेज के लिए जो सभी राज्यों में सभी राज्यों में पीरियोडिकली एवरी सिक्स मंथ पर एवरी एट मंथ पर या हर तीन चार महीने पर वैकेंसीज आ रही है वो अपने राजस्थान में भी भी अंडर प्रोसेस में है ही और राजस्थान की भी तीन हज़ार प्लस पोस्टों की वैकेंसी आने के चांस है जून जुलाई तक जैसे ये वैकेंसी पूरी होती है उसके बाद में ठीक है अपन इस वीडियो में बात करेंगे यूपीसी एच की वैकेंसी के बारे में जो हाल ही में भी आज ही एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है जिसका कब से कब तक फॉर्म भरने वाला है क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या इसका सिलेबस रहेगा कैसा इसका एग्जाम होने वाला है पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे इस वीडियो में चलो ठीक है मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको एक बड़ी बात बताता हूँ एक गाइड के बारे में मिशन सी जो मिशन आई नर्सिंग क्लासेज के द्वारा ही लॉन्च की गई है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बन चुकी है बहुत ही कम समय में आपके आने वाले सी या किसी भी स्टेट के सी का एग्जाम हो चाहे स्टाफ नर्स का एग्जाम हो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड रहने वाली है और सभी एग्जाम्स में जैसे राजस्थान सी एच ओ एम हो या अदर कोई भी स्टेट का सी सब में बहुत अच्छे इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं नाइन्टी प्लस

कर सकते हो ठीक है अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की देखिए ये जो वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशनरी एनएसएम के अंडर में सीएचओ की वैकेंसी होने जा रही है यूपी उत्तर प्रदेश में देखिए आपको यहां पर है जो टोटल पोस्टों की पोस्ट कितनी है उसकी बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है इसमें 1800 पोस्ट है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है ठीक है एनएचएम के अंडर में ये वैकेंसी होने जा रही है और यहाँ पर अपन बात करें पूरी चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हो पूरी चीज़ इसमें लिखी हुई है एन एच एम सिकिंग इन्वाइटिंग एलिजिबल कपल एलिजिबल कैंडिडेट्स अट्ठारह सौ कॉन्टेक्चुअल पोस्ट पर है जो वैकेंसी हो रही है आगे बात करें इसकी डेट की तो डेट है देखो तेरह मार्च से इसका फॉर्म भरने वाले हैं यानी कि आज तेरह मार्च हो चुकी है और कब तक फॉर्म भरेंगे इसके उन्नीस मार्च तक तेरह मार्च से कब तक फॉर्म भरेंगे

ठीक है अब इसमें देखिए क्या इसमें की क्वालिफिकेशन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन देखिए कैंडिडेट वो हैव कम्पलीटेड बी एस सी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कुरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग सी सी एच एन का सर्टिफिकेट प्लस बी एस सी नर्सिंग इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है प्लस पोस्ट बी एस सी नर्सिंग भी इसमें रखी गई है क्वालिफिकेशन कम्युनिटी हेल्थ जिसके पोस्ट बी एस के साथ में भी आपको सी सी एच एन का सर्टिफिकेट जरूरी है और आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉर्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी इलिजिबल टू एप्लाई ठीक है रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ इन यूपी एंड मिडवाइफ काउंसिल इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल कैंडिडेट हैव है आपको पास यूपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आपको उस वक्त है जो यूपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर आपके पास है तो आप अच्छी बात अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपके पास नहीं है तो आप विद इन थ्री मंथ में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि आप ज्वाइनिंग के बाद में भी आप यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके बाद में आप वहां पर है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो तो आप किसी भी स्टेट के हो चाहे यूपी एम पी राजस्थान झारखंड बिहार किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकता है दूसरी बात इसमें जो बहुत बुरी है वो क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी और पोस्ट बीएससी वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं जेएनएम वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं सैलरी की इसकी बात करें तो इसमें सैलरी आपको बीस हजार रुपए पर मंथ की सैलरी रहेगी बीस हजार पांच सौ रुपए और पंद्रह हज़ार रुपये आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस बेस पर यानी कि टोटल कुल मिलाकर पैंतीस हज़ार प्लस इसकी सैलरी होने वाली है साथ ही आपको इसमें डाई लाख रुपये का बॉन्ड भी आपको बढ़ना पड़ेगा कब बढ़ना पड़ेगा जब आप कैंडिडेट टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको डाई लाख रुपये का बॉन्ड भी बढ़ा पड़ेगा कितने समय के लिए थ्री ईयर के लिए मिनिमम थ्री ईयर के लिए आपको वहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी अदरवाइज अगर आप बीच में छोड़ते हो तीन साल से पहले तो आपका वो डाई का जो आप बॉन्ड भर रहे हो डी डी बनवा वो लेंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा ठीक है इसमें और बहुत सारी कंडीशन है जो आप इसमें पढ़ सकते हो आराम से यहाँ पर पी डी एफ आपको वेबसाइट में मिल जाएगी एन एच एम डॉट गोव यू पी डॉट इन वेबसाइट पर ठीक है अभी इसमें एक और बुरी बात थोड़ी सी और है वो ये है कि अभी इन्होंने एग्जाम का क्लियर नहीं किया है कि इस वैकेंसी में एग्जाम होगा या इंटरव्यू बेस पर होगा ठीक है जहां तक इसमें जो इशारा इस किया गया है देखो सिलेक्शन सॉल भी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट बाय द दे स्कोर देंड इन द दे अपोसेंड एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी एस सी पोस्ट बी एस नर्सिंग लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने क्लियर कर लिया है कि वैकेंसी इंटरव्यू बेस पर ही होगी ऐसा नहीं है जैसा इनको सुटेबल लगेगा वैसा ये वैकेंसी करवा सकते हैं कि एग्जाम बेस पर भी करवा सकते हैं और इंटरव्यू बेस पर भी करवा सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको दोनों ही तरह से प्रिपेयर होना है दोनों ही तरह से इंटरव्यू बेस पर प्रिपेयर शॉर्टली हो हो सकते हैं आप एक दो चार दिन में इंटरव्यू बेस अगर इंटरव्यू बेस होता है तो आप दो चार पाँच सात दिन में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो लेकिन अगर रिटर्न बेस पर एग्जाम हुआ एग्जाम डेट आ गई तो आप दो पाँच सात दिन में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो बेटर आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप अभी से आपकी स्टडी रेगुलर रखिए वैकेंसी इंटरव्यू बेस पर हो चाहे रिटर्न एग्जाम पर हो आप अपनी तरफ से तैयारी कंप्लीट रखिए जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा मे बी मार्च में भी इसका फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तेरह से उन्नीस इसके एग्जाम अप्रैल मई तक एग्जाम होने की चांसेज है तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करिए और आपकी तैयारी में रामबाण जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका आप मिशन सी गाइड मंगवा कर रेगुलर प्रिपरेशन कीजिए उसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है आपको अन्य से थिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है सेलेक्टेडेरियल मटेरियल है और उस बुक में प्रीवियस ईयर 10 से 12 सी के पेपर दिए हुए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा सी में पैटर्न रहता है कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं ठीक है दोस्तों तो ठीक है एक बार फिर फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत जय नरसेज